वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो फ्रेंड ये देखिए, दराज ऑनलाइन से हमने ये बल्ब मंगवाए हैं रेन लिली के। फ्रेंड्स रेन लिली के बल्ब्स हमने ऑनलाइन मंगवाए हैं, तो आज हम इनको रिपोर्ट कर देते हैं सोइल में। तो अच्छे हेल्दी बल्ब हैं और ये देखिए, हम आपको दिखा देते हैं कि ये कौन सा प्लांट तैयार होगा रेन लिली का। 200 अच्छा पक्का पौधा है, परमानेंट प्लांट होता है। मेरे पास वाइट फ्लावरिंग प्लांट है रेन लिली का। तो दोस्तों टाइम टू टाइम उस पर फ्लावरिंग होती ही रहती है, और दोस्तों शाम होते ही उसमें इतनी प्यारी खुशबू आती है, बहुत ही मस्त और दिल को लुभाने वाली उसमें खुशबू आती है। तो यकीनन ये भी ऐसा ही होगा। देखिए ये पिंक रेन लिली का बल्ब है और ऐसा ही प्लांट होगा, और इस तरह से इसमें फ्लावर आएंगे। दोस्तों बहुत डार्क पिंक कलर के इसके फ्लावर होंगे, और पत्ते इसके ऐसे ही होंगे जैसे कि हमारे वाइट रेन लिली प्लांट के हैं। तो आइए इसका हम आपको बता देते हैं। सोइल मीडिया हमने भुरभुरी मिट्टी तैयार की है। दोस्तों ये बिल्कुल जिस तरह ओनियन ग्रो करते हैं इनको उसी तरह ग्रो किया जाता है, और ये बिल्कुल ओनियन ही की तरह हैं। और ये देखिए, ये है मेरा सोइल मीडिया, इसमें हमने ली हैगी 60% बालू मिट्टी, जिसमें दोस्तों पानी नहीं ठहरता है। इसके अलावा कुछ हमने ली है इसमें ये रिवर सैंड बजरी जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, और दोस्तों 20% हमने लिया है इसमें कोकोपीट, और इसके अलावा लिया है काउडंग कंपोस्ट 20%, और थोड़ा सा हमने इसमें चुटकी भर ये फंजिसाइड हमने इसमें मिला दिया है ताकि इस बल्ब पे किस किस्म का कोई फंगस ना आए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने इस पॉट में ठीकरी रख दी है, और अब इसके बाद हम इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम अपना सोइल मीडिया जो है पॉट में डालेंगे, और उसके बाद पहले हम इसमें वाटरिंग कर देंगे ताकि मिट्टी अच्छे से नीचे बैठ जाए, और इसके बाद फिर हम इसे बल्ब को हम इसमें आसानी के साथ रख देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत प्लांट बनेंगे। मुझे रेन लिली के फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए दोस्तों हमने ऑनलाइन ये बल्ब मंगवाए, इसलिए कि नर्सरी पे सिर्फ वाइट कलर के प्लांट अवेलेबल थे, तो हमने ऑनलाइन इन्हें परचेज़ किया। 240 रुपीज़ के ये बल्ब हमारे हाथ में आए इस तरह के। ये देखिए मेरा पॉट भर गया है दोस्तों, 100 तक का तकरीबन बल्ब था, और बाकी इसके चार्जेस। दो बल्ब हैं दोस्तों मेरे पास, येलो रेन लिली और पिंक रेन लिली। एक एक बल्ब आया दोस्तों, हालांकि दो भी आ सकते थे, कुछ अजीब सा भी लग रहा था कि एक ही बल्ब आया है, लेकिन ये कि एक बात की खुशी हुई कि बल्ब जो है अपना सेहतमंद था, हेल्दी बल्ब हैं दोनों। तो आइए अभी आपको हम आपको अपना येलो भी दिखा देते हैं। दोनों को हम एक साथ सोइल मीडिया में ग्रो करते हैं। ये देखिए, ये है मेरा येलो फ्लावर वाला बल्ब। अच्छा देखिए, ये पिंक वाले से ज़्यादा हेल्दी है, और इसमें ये ग्रीन ग्रीन शूट्स भी ग्रो हो रहे हैं। इसको भी हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं कि किस किस्म का है ये प्लांट। बहुत ही ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत फ्लावर्स होते हैं दोस्तों। येलो बल्ब के प्राइस थोड़े से ज़्यादा हैं, इसलिए कि ये पौधा शायद यहाँ पे कम होता है, इस वजह से पिंक के मुकाबले में येलो के प्राइस जो हैं थोड़े ज़्यादा हैं। तो ये है दोस्तों येलो फ्लावर, डार्क लेमन कलर के,
और बहुत ही प्यारा प्लांट होता है। और देखिए इसमें सीड भी आते हैं, बाद में हम सीड से भी पौधे बना सकते हैं। दोस्तों कुछ ही अरसे के बाद ये होगा कि जब ये अच्छे से चल पड़ेगा तो इसके नीचे ये और भी बल्ब तैयार होने लगेंगे, मेरे जो वाइट रेन लिली प्लांट हैं। तो दोस्तों 5-6 बल्ब से वो पूरी क्यारी भर चुकी है और हम उससे बहुत सारे प्लांट बना चुके हैं और बनाते भी रहते हैं। तो पहले हम इसमें अपने पॉट में पानी डाल देते हैं दोस्तों, इसलिए जिस तरह ओनियन को पानी की नीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसी तरह इन बल्ब्स को भी बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं होगी। तो देखिए मेरा पानी कितनी तेज़ी के साथ ड्रेन हो रहा है, क्योंकि बहुत भुरभुरी और अच्छी मिट्टी हमने बनाई है और इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड भी डाल दिया है ताकि किसी किस्म का, देखिए बस ये एक चुटकी डाला है मैंने, ये 2 गमलों की मिट्टी तैयार की है इसीलिए। दोस्तों सैंडी सोइल तैयार की जाती है, भुरभुरी मिट्टी, तो इसमें से पानी नहीं ठहरता है पॉट में। इससे ये होता है दोस्तों कि ओनियन को पानी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। तो अब हम इसमें बल्ब अपना रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले हम रखेंगे इसमें ये छोटा वाला पिंक, और इसका ये जो ड्राई लीफ है इसको हटा देते हैं, ये देखिए। और ये हैं इसकी रूट्स, बिल्कुल जैसे कि ओनियन, इसी तरह ये आसानी के साथ ग्रो करेगा। बस ये हमने रख दिया, मिट्टी बराबर कर दी, मिट्टी गीली है। बस हम दोस्तों इसको नम रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इसको पानी नहीं देंगे और तेज़ी के साथ हमारा ये प्लांट ग्रो होगा। वैसे तो दोस्तों कहते हैं कि ये समर सीज़न का प्लांट होता है रेन लिली, और समर के बाद जब मॉनसून सीज़न आता है तो, लेकिन हमने ये देखा है दोस्तों जो हमारे पास वाइट रेन लिली के प्लांट हैं, टाइम टू टाइम दोस्तों उस पर फ्लावरिंग होती ही रहती है, चाहे विंटर सीज़न हो, रेनी सीज़न हो या समर सीज़न हो। तो हमारा तो एक्सपीरियंस ये है। इस प्लांट को भी देख लिए, हल्का सा देखिए हमने इसमें से मिट्टी को हटाया। दोस्तों जब इस पर फ्लावरिंग शुरू होगी और हमारे इसकी ये शूट्स जो हैं ऊपर के साइड ग्रो करेंगी, तो हम इसकी अपडेट देंगे आपको। बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं हमने, सीड ग्रो किए हैं, ज़्यादातर में हमें सक्सेस ही मिला है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा ये प्लांट अब इसमें ग्रो करेगा, पानी इसमें पहले से मौजूद है। ओके दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्टिंग रेन लिली बल्ब्स की? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।